वर्षा जल संरक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कैच द रेन नामक कैंपेन की शुरुआत की है। राष्ट्रीय जल मिशन भारत सरकार के अभियान के तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने नेहरू युवा केंद्र व एनजीओ के साथ बैठक करते हुए कहा कि वर्षा जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर का विमोचन करते हुए जिलाधिकारी ने लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि वर्षा जल संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया तथा घर घर सर्वे के माध्यम से लोगों को जागरूक करें तथा वर्षा जल को संग्रहित करने में मदद करें। बैठक के दौरान नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स ने वर्षा जल संरक्षण के मॉडल प्रस्तुत किए। तो इसमें हम लोगों ने जल संरक्षण के ऊपर बात करी कि किस तरीके से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो किस तरीके से हम लोग कैसे पहाड़ों में और कैसे जैसे शहरों में भी किस तरीके की पानी की दिक्कत होती है। तो उससे जैसे कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के ऊपर होगा, तो उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं, इस चीज़ पर हमारी यहाँ पर वार्ता हुई डीएम सर के साथ और उन्होंने मतलब हमें बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जल संरक्षण करने के लिए। तो इसी के तहत हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जल को संरक्षित कीजिए। जैसा हम लोग बागेश्वर में देखते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जो वो है क्राउड है वो डिपेंड रहता है पानी के ऊपर कि कैसे जल संस्थान पानी अवेलेबल नहीं करा रहा है। बट उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि खुद अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे छत के पानी को कंजर्व करके टैंकियाँ बना के उस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो यानी बेसिक ये है कि हम डिपेंड में रहते हुए अपनी ओर से इनिशिएटिव लेके जल को संरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक उदाहरण सेट कर सकते हैं। यही चीज़ होती है। कैच द रेन बैरेट फॉल्स बैरेट फॉल्स के तहत डीएम सभागार ने डीएम सर ने लॉन्च किए बैनर्स को और हम इस प्रोग्राम के तहत जल संरक्षण और जल संचयन का काम करेंगे गाँव गाँव में जाके। तो हमारे यूथ लीडर्स ने सर को आज ब्रीफिंग दी कि 50 गांव सेलेक्ट किए हैं, उनमें यूथ क्लब कैसे, यूथ क्लब मेंबर्स कैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन, वॉल पेंटिंग, अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू लोगों को बताएंगे कि पानी बचाना और उसका संरक्षण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कितना ज़रूरी है। तो सर ने आज आदेश दिया है कि इसका पूरा माइक्रो प्लानिंग एक देना है, करना है और हर 15-20 दिन बाद एक रिव्यू मीटिंग भी होनी है। और सर डीएम सर ने इस बात का उद्घोषण दिया कि वो जितना भी हेल्प हो सकता है सारा देगा। आम जनता को यही अपील है कि जल बहुत ही, जल से ही जीवन है, जल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना जितना हो सके अपने घर में जो भी जल है वो उसका संरक्षण करें और एक पानी का एक बूंद भी वेस्ट ना हो। तो इम्पोर्टेंट कैंपेन कैच द रेन कैंपेन जो है आज हमारे जिले में इसकी शुरुआत हो रही है और बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ से एक पहल है और इसमें जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से ये पूरा प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेट होना, इम्प्लीमेंट होना है। तो इसमें आज हमने इनॉग्रेशन के दिन आज हमने जो इसका बैनर वगैरह है उसको लॉन्च किया है और साथ में ही जो है कुछ बच्चों के द्वारा मॉडल्स बनाए गए थे, उन मॉडल्स को भी हमने देखा है। तो बहुत सुंदर मॉडल्स उनके द्वारा बनाया गया है कि किस प्रकार से जो है एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी पानी को कंजर्व कर सकता है और उसको वेरियस यूजेस में ला सकता है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि इसकी एक जो है एक माइक्रो प्लान इसका पूरा तैयार कर लिया जाए। मोटा मोटा तो वैसे इन्होंने ढांचा बना रखा है लेकिन उसकी माइक्रो प्लानिंग करनी जरूरी है कि हम लोग क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, किस दिन करने वाले और किस समय करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे स्टेक होल्डर्स भी इसमें बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि अभी हमारे सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं अभी वो एपीडी और हमारे जो जल संस्थान और जल निगम को इसमें लिया गया है, लेकिन ये कैच द रेन जो कैंपेन है ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें खासकर हमारे जो मनरेगा, जैसे मनरेगा डिपार्टमेंट हो गया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बेसिस में इसको सक्सेस मिल सकती है। तो यही हमारे एक नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हमें बढ़ाने के लिए और एक माइक्रो प्लानिंग के करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ साथ में हमें हर इंडिविजुअल तक एक ये मैसेज पहुंचाना है कि ये जो वाटर को कंजर्व करना कितना एक इम्पॉर्टेंट कार्य है और ये हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वाटर के ऊपर ही जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।